वह जल्लाद जिसको धीरेन्द्र कहते हैं, वह जल्लाद उसको बाबा कहना अपराध है। वह जल्लाद जिसको साजिश से मंगा करके और उसको रात में बांध करके उसके साथ में वह मुंगरा से मार करके उसका हत्या किया है। सत्संग के नाम पर बाबा लोग को कलंकित किया है, वो ऐसा कलंकित नहीं करना चाहिए। और यह निर्मम हत्या, भौजाई था उसका, लड़की का भौजाई, वहाँ वो बुलाया था और उसमें साजिश किया रचा, ये तो उन लोग जाने, लेकिन यह ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अपना मुंह से बोला था कि हम शादी संबंध करेंगे। जो भी घटना हुए हैं, ये लड़का लड़की के बीच में बहुत दुखी हैं लोग, समाज भी दुख है, बहुत तकलीफ है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, ये तो अन्याय हुआ। यहीं के हैं? नाम रानीगंज कुंदन जाधव जी। घटना के संबंध में तो जो भी हुआ है वह तो जैसे कोई प्रकाश में कोई चीज आता है, सारे लोग देखते हैं, तो घटना के सब प्रकाशित है, सारे के सारे लोग जान रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जहां इसका नाम चर्चा नहीं होता होगा। यह बहुत दुखद कहानी है जो नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्तियों ने किया है वो भी करने योग्य नहीं था, मगर न जाने काल ने उनको मरोड़ करके अपने साइड ले करके कुकर्म करवा करके सबके सामने अभी बरकरार है। कहीं ना कहीं ये भी चर्चा में है कि जो अपराधी हैं मुख्य रूप से वो बाबा थे और सत्संग वगैरह किया करते थे। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या एक सत्संगी किसी का इस तरीके से अपराध या फिर किसी का जान ले सकता है? ना ना, वो तो महा अपराधी हुआ ना, तो इसे तो फिर हत्यारा बाबा का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। अरे काम कर्म से ही नाम होता है, तो कर्म नहीं तो नाम कैसा, बाबा कैसा। मैं रामदेव यादव राय। और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। यहाँ के लोग हैं और ये सभी स्थानीय लोग हैं जो इस घटना के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और साथ ही साथ जो है संवेदना यहाँ पर उस परिजन को के पास आए हैं, परिजन के दरवाजे पे हैं और अपना जो है शोका कुल या फिर कहें तो संवेदना प्रतीत कर रहे हैं। तो जानेंगे इन लोगों से भी। सर, घटना के बारे में क्या कुछ करेंगे? देखिए, घटना का असल न, वहाँ मेरा घर है, घर मेरा रहड़िया पड़ता है। जब इस तरह घटना हो गया तो जानकारी मिली और उनसे पूर्व भी हम लोग जानते थे कि ये उन दोनों में अपना 2 साल से प्यार प्रेम है और शादी करने के लिए बाबा भी इच्छुक थे कि हम शादी करेंगे, पर न जाने किस तरह से कैसा किया गया इनके साथ में, बुला करके घर से बुला के आओ, जबकि पहले भी सत्संग में बुलाया करता था, जहां जहां उसको जाने का था वहां उसको पहुंचाया करता था यह बच्चा, लेकिन उस दिन इसको बुला करके पता नहीं किस तरह से कैसा व्यवहार किया, इसको तो आप लोगों के सामने में है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उसको दंड मिलना चाहिए। ऐसे जो कि सत्संग के नाम पर बाबा लोग को कलंकित किया है, वो ऐसा कलंकित नहीं करना चाहिए। और यह निर्मम हत्या, संसार में ऐसा किसी के घर न हो। हम यही परमात्मा से मनाते हैं, हे ईश्वर, ऐसा किसी के साथ में बहू बेटी और पुत्र के साथ नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है उनके घर परिजन से, जो बाबा हैं अर्थात जिन लड़की के पिता हैं, उनके घर से छोटू कुमार को बुलाया गया था, ये बात सामने। यहाँ से बुलाया गया था, वहीं पर नाना के यहाँ था और बुलाया गया, क्योंकि बराबर इनको बुलाया करता था और सत्संग में जो है गाड़ी से ये जहाँ उसका प्रोग्राम पहुँचाया करता था, ये तो इनको तो भय नहीं था कि हमको इस तरह से करेगा। और नो इस तरह का ये लड़का था, बिल्कुल साफ सुथरा। हत्या कैसे कर, हत्या उसमें साजिश के तौर में किस तरह से किया, उनका सुनते हैं कि भौजाई था उसका, लड़की का भौजाई, वहाँ वो बुलाया था और उसमें साजिश किया रचा, ये तो उन लोग जाने, लेकिन यह ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अपना मुंह से बोला था कि हम शादी संबंध करेंगे, लेकिन आज घटना 6 तारीख को हुई थी और आज 13 तारीख हो गया है, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी वगैरह हुई है? गिरफ्तारी सुनते हैं कि 2 ठोक बाप बेटा को ले गया है, अभी तक कोई सब सुता हुआ है, कोई किसी तरह जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? उम्मीद तो है कि प्रशासन तो किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके भी घर में बहू बेटी है, उसके को घर में पुत्र है पुत्री है, क्या वो लोग अनाथ है, सो बात तो नहीं है। वो भी अपना समझ लेंगे कि हमारे साथ यह घटना होता तो मैं क्या करता, सब अपने अपने ऊपर में ये लेगा ना कि मेरे घर में ऐसा होता तो मैं क्या करता। आप छोटू कुमार को बाबा जानते थे पहले से? खूब अच्छी तरह से। कैसा व्यवहार विचार था उसका? बिल्कुल व्यवहारिक बच्चा था, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से जाना जाता है कि आज नहीं
बहुत दिन पहले से भी लड़का लड़की को किसी जगह किसी से प्रेम हो जाता है। वह प्रेम जान लेने के बाद में माता पिता का कर्तव्य बनता है कि दोनों का विवाह करवा दिया जाए, लेकिन उस स्थिति में ऐसा नहीं करके वह जल्लाद जिसको धीरेंद्र कहते हैं, वह जल्लाद उसको बाबा कहना अपराध है, वह जल्लाद जिसको साजिश से मंगा करके और उसको रात में बांध करके उसके साथ में वह मुंगरा से मार करके उसका हत्या किया है। पता तो ये अभी चला है कि बिजली का करंट, तो बिजली का करंट भी लगवाया है वो, उसका दामाद एक जो पवन नाम है वो क्या कहते हैं मधुमन, उसको उसके द्वारा जल्लाद की तरह उसको करंट भी लगवाया गया है। नहीं जल्लाद कहा जाए, बाबा नहीं जल्लाद कहा जाए उसको, नहीं वो ढोंग था, वो ढोंग था, वो ढोंग लोगों को ठगता था, लोगों को ठगता था, अंधा बना करके उनसे पैसा लेता था और गुमराह बना करके लोगों को हत्या किया है। इस प्रकार का अपराध करने वालों को जल्दी फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उनको। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं उनके घर पर इंसाफ दिलाने के लिए? जी इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हुजूर लगाते हैं हम हाथ जोड़ करके कि प्रशासन भी उनको पकड़ करके उनको फांसी की सजा दे। यहाँ आए हुए हैं, लड़के के घर पे आए हुए हैं, लड़का को जानते थे पहले? एकदम बढ़िया से जानते थे। कैसा लड़का था छोटू कुमार? बहुत अच्छा लड़का था। इन लोगों के बारे में, इन दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी या तमाम चीजें, आप लोगों को जानकारी थी क्या? हाँ जानकारी थी, दोनों पक्ष से हो रहा था तो सबको जानकारी था। फिर इस तरीके से किस तरीके? देखिए इनको साजिश से मारा गया, आदमी सब खुल के नहीं बोलता है। यहाँ आदमी उनके घर पहुँचा, 5 आदमी को गुमराह बना के बैठा के पंचायत में बोला परिषद जी आ रहे हैं, फलना जी आ रहे हैं, पंचायत होगा, तो फिर ऐसे मार कैसे हो गया? कहीं ना कहीं ये पंचायत का उल्लंघन है, एकदम पंचायत का उल्लंघन है, पूरा साजिश से उनको मारा गया है। अगर पंचायत का नाम कोई ले रहा है कि पंचायत करेंगे और गुमराह कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो पूरा समाज और पंचायत का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन कर रहा है पंचायत का, जो पंचायत था बैठा हुआ दरवाजे पर, तो अंदर आंगन में कैसे उसको मार दिया? इन लोगों के ऊपर क्या होनी चाहिए? एकदम उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आप यहीं के हैं? जी। कहाँ है आप? बस बगल में। तो छोटू कुमार और आरती कुमारी को आप लोग जानते हैं? हाँ छोटू कुमार को तो अच्छी तरह से जानते थे। कैसा लड़का था? बहुत बढ़िया। फिर इस टाइप कैसे हो गया? साला वो जल्लाद था उसका, वो धीरेन्द्र बाबा जी बहुत बड़ा जल्लाद था। बाबा जी कह रहे हैं? बाबा जी जल्लाद था, वो जल्लाद था, इसीलिए ऐसा घटना कर दिया। छोटू कुमार का व्यवहार विचार? बहुत बढ़िया। घर वालों का व्यवहार? बहुत बढ़िया। उसके पिताजी इतना बड़ा धर्मात्मा है जो सुल्तानगंज से बाबा धाम बौसकी धाम तक जन परिणाम देख जाते हैं। छोटू कुमार का पिताजी उमेश बाबू जी यही होंगे अभी। अच्छा। हाँ बहुत बड़ा धर्मात्मा आदमी है वो। आरती कुमारी के पिताजी को भी कहीं ना कहीं लोग धर्मात्मा कहते थे कुछ दिन पहले, लेकिन अभी सभी लोग कह रहे हैं बहुत हरामी किस्म का इंसान है वो। अभी पता चला? हाँ अभी पता चला। मान के चोर का चोरी जिस रोज पकड़ाता उसी रोज पता चलता कि ये चोर है, उससे पहले क्या पता चलेगा इंसान को? क्या सजा होना चाहिए उसको? सजा है मौत होना चाहिए। अभी तक क्या कुछ प्रशासन कर पाई है इस पर? वैसे वही पकड़ लिया है वो दोनों को, उसके बाद तो क्या कर रही है प्रशासन तो मालूम नहीं है। छोटू कुमार के दरवाजे पे आए हैं चाची जी, कैसा लड़का था छोटू कुमार? बहुत अच्छा था। आप जानते थे? जानते थे, बगल वाले हैं। बगल वाले हैं, आप ही लोगों के सामने वो बड़ा हुआ है? बड़ा हुआ है। व्यवहार विचार उसका कैसा था? बहुत सुंदर था। इस तरह का अपराध हो गया, उसके साथ घटना घट गया, क्या कुछ कहेंगे? बस कहेंगे, क्यों ना कहेंगे, इंसाफ मिलना सजा चाहिए। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, सजा होना चाहिए, अपराधी को सजा होना चाहिए। छोटू कुमार तो अच्छा था, कोई गलत लड़का नहीं था, यहाँ पर बहुत अच्छा था। अभी छोटू कुमार के गांव से हैं आप? हाँ गांव से हैं। उसको बचपन से जानते हैं? हम बचपन से जानते हैं, बहुत अच्छा था। आप लोगों के नजर के सामने में है। बड़ा हुआ है जी। इस तरह का घटना घट गया उसके साथ, क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे उसका गिरफ्तार होना चाहिए, उसका सजा होना चाहिए। अपराधी और आदमी को परेशान करता है रात को रात परेशान करता है अपराधी लोग। यहाँ रात में आप लोगों को परेशान करता है।
क्या करता है परेशान? परेशान दौर बढ़िया करता रहता है, मतलब एक तरीके से घर नजर रखे रहता है, रखता है। लड़की अब आपके गांव में रह रही है, लड़की यही है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लड़की के बारे में क्या कहेंगे, वो तो घर वाले कहेंगे ना, क्या करेंगे नहीं करेगा तो घर वाले बोलेगा। यहीं रहना चाहती है? हाँ, लड़की तो वहीं रहना चाहती है। लड़की बोलती है हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहें। अगर विधवा बन के रहने चाहेंगे तो यहीं पर रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, हमको बाप माई कुछ नहीं है, हमारा जो है छोटू का ही परिवार सारा परिवार है, वही उमेश कुमार पिता है, हमको कोई नहीं है। ये सारा कुछ आप सुन रहे थे रहरिया गाँव के लोगों से, जो कि छोटू कुमार के दरवाजे पे आए हुए हैं। और 6 तारीख को घटना घटी थी, उसके बाद से जो है ये लोग उनके घर पर आते हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग जो है इंसाफ को ले के लिए जो है कुछ ना कुछ मुहिम चलाते हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ लोग जो है उनके दरवाजे पर आते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन से मांग करते हैं कि जो छोटू कुमार के जितने भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आप देख रहे थे हमारे साथ सस्तक न्यूज़, सस्तक न्यूज़ से आदर्श राठौर की रिपोर्ट। जय हिंद।